यहाँ पे हो रही है मीटिंग। तो दोस्तों हम रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं और हमारी ट्रेन भी लग चुकी है जो 7 बजे निकलेगी। देख लीजिए ट्रेन का नाम मौसी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त शिवांग नयाल लेकर आ गया एक नया ब्लॉग। तो अभी आप देख रहे हो जैसे मैं कहीं और हूँ, मैं यहाँ रखा हूँ आरकेपुरम सेक्टर 8 अपने ताईता और के घर। तो आज है यहाँ मीटिंग और मैं दादी को भी छोड़ने आया था। तो जैसे कि आपको पता है कि दीदी की एनिवर्सरी आने वाली है, वैसे तो कल है 5 को, बट हम कोटद्वार जा रहे हैं 6 तारीख को। 6 तारीख को सेलिब्रेट होने वाली है और उसके बाद स्वाति दीदी की भी शादी है। तो मैं दादी को यहाँ छोड़ने आया था, दादी भैया और के साथ जाएगी और हम जाएंगे ट्रेन से। तो बस अभी मीटिंग है आज ताई और के घर में, तो ये समोसे वमोसे ले जा रहा था और ने ऑर्डर कर दिए थे, तो चलिए चलते हैं। यहाँ पे हो रही है मीटिंग। पे है चाचा जी, दूसरे चाचा भैया। चाचा जी कुछ बोले मीटिंग में? सब भाई लोग मिल रहे थे एक दूसरे से बस। और मेल मिलाप आया था ना सबसे। हाँ तो आज है मीटिंग, मेल मिलाप की शुरुआत बाहर देख सकते हो आप, सब लोग हैं यहाँ पे, मीटिंग हो रही है। और इधर भैया हाँ चिकन बना रहे हैं। हेलो भैया। हेलो हाय, क्या बना रहे हो आप? चिकन नहीं बन रहा है, इसमें दाल फ्राई हो रही है। अच्छा दाल बन रही है, ओके। तो देखिए सारे जेंट्स लोग ही बनाते हैं। और इधर जैसे भैया है, इधर हाई कर दो भैया। हेलो वहाँ भैया चावल रख रहे हैं। चाचा अच्छा चाचा हाँ, इधर भैया उधर चाचा। अब मिठाई बट रही है। हेलो करो इधर, हाय करो हाय करो हाय करो हाय। मिठाई बट रही है, चुन्नू भैया का लड़का हुआ इसलिए। 2000 years later। हेलो गाइस, नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में दोबारा से। अभी जैसे आपने थोड़ी देर पहले देखा था, थोड़ी देर क्या मतलब कुछ देर पहले देखा कि मैं दादी को छोड़कर आ गया था आरकेपुरम। तो अभी हम लोग भी रेडी हो चुके हैं और हम लोग निकल रहे हैं कोटद्वार के लिए। कोटद्वार की हमारी ट्रेन है अभी 7 बजे। तो बस अभी हम रेडी वेडी हो गए हैं, बाकी सामान भी पैक्ड है पूरा। बाकी क्या क्या है, शादी आपको बताइए, स्वाति दीदी की है, तन्नू दीदी की नंद, और तन्नू दीदी की कल एनिवर्सरी थी 5 तारीख को, पर आज सेलिब्रेट होने वाली है। तो बस उसका व्लॉग दिखाएंगे अब आपको, तो चलिए चलते हैं और सामान भी दिखा देता हूँ कितना सारा है, चलते हैं। तो ये रहा सामान, इसमें हमारे कपड़े वगैरह, गिफ्ट्स वगैरह भी है और मिठाई वगैरह भी है, क्योंकि शादी जब बेटी के घर जाते हैं तो थोड़ा मिठाई वगैरह ये सब भी ले जाते हैं। बाकी दिखाते हैं आपको क्या क्या होता है और आगे। तो वो सामान रख दिया, अभी कैब भी आ रही है हमारी, मम्मी पापा भी तैयार होके। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन और ये रहा, अभी हमें अंदर एंट्री करेंगे, हमारे 7 बजे की ट्रेन है। ये रहा सामान, चलो अब चलते हैं, चलो। तो हमारी प्लेटफॉर्म नंबर 7 में लग रही है ट्रेन और 7 बजे करेक्ट 7 बजे रवाना होने वाली है। और बहुत ही प्यारा बन चुका है, मतलब रेलवे स्टेशन बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो दोस्तों हम रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं और हमारी ट्रेन भी लग चुकी है जो 7 बजे निकलेगी। देख लीजिए ट्रेन का नाम
दिल्ली टू कोटद्वार, गाड़ी का नंबर है 12038 और सिद्धबली जन शताब्दी एक्सप्रेस है नाम। और अभी 6:29 हो रहे हैं, अभी वेट कर रहे हैं कब तक चलती है देखते हैं, लेट्स सी। तो अभी हम जल्दी आ गए, बहुत जल्दी आ गए क्योंकि एक्चुअली ट्रेन छूटने का भी डर रहता है। बाकी रास्ते में कुछ दिक्कत नहीं हुई और अनाउंसमेंट भी चली रही है, बस अभी हमने अंदर सामान रख दिया, फिर हम बैठेंगे थोड़ी देर में क्योंकि अभी तो बहुत टाइम है, अभी आधा घंटा है लगभग और ट्रेन लग चुकी है। इसका फर्स्ट डिब्बा जो है वो एसी है, मतलब आगे के दो डिब्बे एसी है, बाकी नॉर्मल जनरल वाले हैं। तो हमने तो जनरल ही कराया क्योंकि एसी की ज़रूरत है नहीं, अभी गर्मियाँ है नहीं और सही रहता जनरल भी। और अगर टिकट की प्राइस की बात करूँ तो 140 होती है इसकी जनरल वाली में और 400 समथिंग उसकी एसी वाली में होती है। नमस्ते दोस्तों, हमारी ट्रेन लग चुकी है, ये 7 बजे निकलेगी यहाँ से और 1:45 1:30 पे पहुँचा देगी हमें कोटद्वार में। तो अब हम बहुत दिनों से ट्रेन में ही आने लग गए हैं, बहुत मतलब महीनों से अभी पूरा खाली पड़ा है। अंदर से दिखाता हूँ मैं आपको, देखो अंदर से ऐसे है पूरी ट्रेन। अभी सब लोग आ ही रहे हैं थोड़ा थोड़ा धीरे कर करके, और हमारी सीट भी है आगे, दिखाता हूँ मैं आपको। हमारी सीट है, पापा बैठ। तो ट्रेन चल चुकी है, ना बाटू बताणू ना समले के जानू ना वेयू अपाणू बिराणू चा, ना बाटू बताणू ना समले के जानू ना वेयू अपाणू बिराणू। तो अब हम पहुंच गए हैं गाजियाबाद, 7:45 पे गाजियाबाद पहुंचे हैं और अभी अब जाएंगे आगे। चाय, पूरी, आलू की सब्जी, अब हम पहुंच गए हैं गजरौला। और अभी आपने जैसे देखा मैं नाश्ता वगैरह कर लिया था और गजरौला से अब ट्रेन पहले इस साइड को चल रही थी, अब इंजन चेंज हो जाएगा, इंजन उतर हो जाएगा और उधर को उतर चलेगी दूसरे ट्रैक पर। तो अभी करीबन 9:18 हो रहे हैं, तो अभी टाइम लगेगा पहुंचने में बहुत, तो बस धीरे धीरे सफ़र कट रहा है। उटांडा कटालू नगदेरा मगेरू को जानू चा, न बाबा की खिरस न दादी की भुक्की नजीबा स्टेशन आ चुका है। अब यहाँ पे 25 मिनट के लिए रुकेगी, उसके बाद जाएगी सीधे कोटद्वार, बहुत लंबा। तो नजीबाबाद से ट्रेन निकल चुकी है और यहाँ से थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है ट्रेन कोटद्वार के लिए, लेट्स सी कब तक पहुँचते हैं। अब दोस्तों हम पहुंच चुके कोटद्वार, मतलब अभी पहले कौरिया पहुंचे हैं फिर कोटद्वार पहुंचेंगे। और ऊपर आगे देखते तो हल्के हल्के पहाड़ दिखने लग गए हैं। दोस्तों उत्तराखंड आने की खुशी ही अलग होती है, बहुत मज़ा आता है अपने होम टाउन में आके, बहुत मज़ा आता है। ये देखो पूरा कोटद्वार की एंट्री यहाँ से हो जाती है, ये कौरिया है। Bye-bye.
तो बस आ गए हम कोटद्वार और बच्चों की छुट्टी हो रही है यहाँ पे, स्कूल के बच्चों की छुट्टी। अभी रेनोवेशन चल रहा है स्टेशन का, वो अभी हम टेम्पो में बैठे हुए हैं, भैया पीछे से आ रहे हैं, बैठे हैं। तो हम पहुंच गए हैं जीजू और के घर, पहुंच गए हम। हेलो दीदी, दीदी नमस्ते। धन्यवाद आपने बधाई। और तबीयत ठीक है आपस में? हाँ ठीक चल रही है। मुलाकात कर दोबारा से, मिलो गले। सवार बन गए अब कनो निनो ना बहुत बिगड़ गए। उसी के बारे में क्या हुई है जी? तो ऊपर चल रही है मेहंदी, अभी मेहंदी दिखाते हैं। तो दीदी की मेहंदी लग रही है दीदी। हाय, हेलो, कैसा लग रहा है दीदी? बहुत अच्छा, बट टायरिंग, थक गए। मेहंदी लग रही है। श्रुति दीदी आपको कैसा लग रहा है? आपकी नहीं लगी मेहंदी अभी? अभी इसके बाद। अच्छा ओके। यहाँ ऊपर पूरी, तो यहाँ पे सब छत पे है, मेहंदी लग रही है। अभी करवाता हूँ, कर दो जी। ठीक, मेहंदी दिखाओ। तन्नू की मौसी, मौसी, तन्नू की मौसी, जीजू की मौसी। यहाँ पे चाची लोगों की भी लग गई है। हेलो कर दो, मेहंदी लग, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। इधर वो भी चाची जी है ना? चाची, चाची जी मेहंदी लग रही है। अब नंबर वाली बताना पड़ेगा कौन से नंबर, ये भी चाची मेहंदी लगा। जीजू की मेहंदी लग चुकी है। माय सिस्टर गॉट हर मिस्टर स्वान, नाइस। दुल्हन का भाई ये लगाई है श्रुति दीदी ने और ये प्रगति दीदी ने। ओके जीजू कैसा लग रहा है आपको? धन्यवाद, ऐसे करो अपनी मेहंदी याद आ गई। एंड हैप्पी एनिवर्सरी ऑल्सो। अभी दिखाओ अपनी मेहंदी, ज्योति दीदी दिखाओ मेहंदी। किसकी? सच्ची ने बनाई है। कैसे लग रहा है दीदी आपको? दीदी सजवाओ, दीदी कौन सा सही है? ये वाला अच्छा बोल, बहुत ही वाला दीदी। अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, बाद में बहुत लगेगा।
बस अभी इस व्लॉग के लिए इतना ही। अगर आपको व्लॉग सुना है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगला व्लॉग होगा आपका फंक्शन का, तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। बाय बाय।